हरियाणे की इलेक्शन नू डीका क्यों गया? क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग हुई है भाजपा की ते आम आदमी पार्टी, और उस अंडरस्टैंडिंग तहत ढाई साल इन्हों केसा नू भगवंत मान ने ठंडे बस्ते च रखिया। हरियाणे की इलेक्शन निकली है और फिर ये मंजूरी दिती है जिहड़ी ढाई साल पहला देती जानी चाहीदी सी। उहदे च जे तुसीं सरकारी पक्ष का रवैया वेखो ते ओह राम रहीम की मदद करन वाला रहा कि अखीर च ओह फिर जाके आई सुप्रीम कोर्ट तो स्टे ले आउणगे ते उत्थे वेख लिओ इन्हां दा रवैया उहदी मदद वाला ही होणा। भाजपा ऑन रिकॉर्ड है उहनूं परोल दिंदिआं दी वी ना समझो बाबे नूं कुछ होण लग्गा। बाबा जिन्नी परोल मिलदी है मैनूं लगदा किसे नूं उन्नी परोल तां एडे संगीन रूप च देश च किसे होर नूं नहीं मिलदी। मैं कहना असल मुख्यमंत्री तां बाबा डिफाल्टर बाबा ही होया राम रहीम, और जो भगवंत मान की सरकार है इहनूं भी प्रोक्सी तरीके नाल उही चला रहा। हले तो बड़े सरकार जिहड़ा उह कोर्ट दे दा पेच कोर्ट से कई अर्जियां जानियां उदों सरकार दा की रवैया रहना जो कोर्ट कपूरे रहा सी। राम रहीम दे उते पंजाब सरकार दे वल्लों बेअदबियां नाल संबंधित तीन मामलियां दे विच मुकदमा चलाउण दी इजाजत दित्ती गई है। दसी कि हुण मजीठिया दे वल्लों इस मामले नूं लै के मान सरकार नूं लम्मे हथी लिया गया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भाजपा के नाल रल के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा विधानसभा चोणां तक राम रहीम खिलाफ बेअदबी मामलों के विच केस चलाउण की आग्या ढाई साल तक रोक के रखी। जदों हुण चोणां खत्म हुईयां तां स्पष्ट हो गया कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा के नाल रल के एक फ्रेंडली मैच खेडिया है। राम रहीम नूं जदों भी लोड़ पवे परोल मिल जाती है। अगले ढाई सालों के आप सरकार का इस केस के रवैया की होगा, इससे पंजाबियों की नज़र बनी रहेगी। इन्ना ही नहीं, मजीठिया ने यह भी कहा कि इन मामलों के मान सरकार तो न्याय देने की कोई भी आस नहीं है। रल मिल के यह खेड रहे हैं तो पंजाबियों मूर्ख बनाया जा रहा है। देखो सब तो पहला थानूं जिहड़ा सामने है ना उत्ते ना विश्वास रख्या करो, अंदर की हो रहा उहदी घोख करिया करो। मैं समझदा इनवेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जद तक थोड़ी नहीं जागूगी थानूं सच्चाई नहीं कदे पता लगू। हरियाणे की इलेक्शन नू डीका क्यों गया? क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग हुई है भाजपा दी ते आम आदमी पार्टी दी, और उस अंडरस्टैंडिंग तहत ढाई साल इन्हां केसा नू भगवंत मान ने ठंडे बस्ते च रखिया। हरियाणे दी इलेक्शन निकली है और फिर ये मंजूरी दित्ती है जिहड़ी ढाई साल पहला देती जानी चाहीदी सी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे नू बड़े चिर तो उठा रही है, 2015-16 तो उठा रही है, मगर उत्तों बाद सरकार बनन तो बाद पता नहीं केड़ा सप सुंग गया कि भगवंत मान ने जद भी वह केस ट्रांसफर मंगदे सी उहदे च जे तुसीं सरकारी पक्ष का रवैया वेखो तो वह राम रहीम की मदद करन वाला रहा, और एक बारी नहीं अनेकां बारी इस गल नूं रेज किया गया। अज इन्हें सैंक्शन भावें देती मगर उस केस च इस किस्म दीआं कमजोरियां ने कि अखीर च वह फिर जाके आई सुप्रीम कोर्ट तो स्टे ले आउणगे ते उत्थे वेख लिओ इन्हां दा रवैया उहदी मदद वाला ही होणा। क्योंकि भाजपा ऑन रिकॉर्ड है, भाजपा ऑन रिकॉर्ड है उहनूं परोल दिंदिआं दी वी बाबे नूं ते उस डिफॉल्टर बाबे राम रहीम नूं उहदी शिफ्ट करदे सीएम नैब सिंह सैनी ऑन रिकॉर्ड है। इलेक्शन जितन तो बाद नैब सिंह सैनी बाबे दा धन्नवाद भी कर रहा ते, और जो ये सारी गल हरियाणे की खेडी गई है केजरीवाल साहब की जमानत, सतिंदर जैन की जमानत,
कांग्रेस दे उल्ट कैंडीडेट खड़े करने 50-60 हज़ार वोटा दा 20 हज़ार वोटा दा कुल फर्क है दोवे पार्टियां च बहुत घट अंतर है वो सारा एक गिनी मिजी मिथी साजिश तहत होया और वो साजिश च भगवंत मान अरविंद केजरीवाल ते भाजपा दी लीडरशिप नैब सिंह सैनी ते वड्डी लीडरशिप ने रल मिल के रोल खेडिया इसलिए तुसी ना समझो बाबे नू कुछ होण लग्या बाबा जिन्नी परोल मिलदी है मैं लगता किसी नू उन्नी परोल तो एडे संगीन रूप च देश च किसी होर नू नहीं मिलदी जिस बंदा जिहड़ा जेलर सुपरिटेंडेंट परोल दिंदा उहनू तां भाजपा ने कैंडीडेट बना के MLA भी बन गया सो जिहड़ी हरियाणे की सरकार है वो चाली मैं कहना असल मुख्यमंत्री तो बाबा डिफाल्टर बाबा ही होया राम रहीम और जो भगवंत मान की सरकार है इनू भी प्रोक्सी तरीके नाल उही चला रहा इसलिए बिल्कुल इहदे च माड़ी जी भी खुशी ना मनायो 2.5-3 साल समा निकल तो बाद माहा ही अज मंजूरी मिली है हले तो बड़े जिहड़ा वह कोर्ट के दा पेच कोर्ट से कई अर्जियां जानियां उदों सरकार का की रवैया रहना जो कोटकपूरे रहा सी दस दी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन पहला ही बेअदबी मामलों ते लगी रोक हटाई सी तुहानू दस दी कि फरीदकोट दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दीआं 3 घटनावां वापरियां सी जिस तों बाद तुहानू दस दी कि हुण पंजाब सरकार दे वलों इन्हां 3 मामलों दे विच राम रहीम दे उत्ते मुकदमा चलाउण दी इजाजत दे दित्ती गई है पर बिक्रम सिंह मजीठिया दे वलों इस नूं सिर्फ एक चुनावी स्टंट दस्या जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।